गुड मॉर्निंग, वेलकम और स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। अगर आप स्किनी हो या आपको मसल गेन करना है तो आपको पता है कि यार कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी डाइट का। और मुझे बहुत सारे डीएम आ रहे थे कि एक बजट फ्रेंडली डाइट बनाओ जिसके अंदर आप मसल भी गेन कर सकते हो, और अगर आप स्किनी हो तो आप वेट गेन कैसे कर सकते हो। तो आज मैं आपके लिए ना एक बजट फ्रेंडली डाइट लाया हूँ जो आपके घर में आपको आराम से मिल जाएगी। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आपको एक्चुअल मेरा प्रोटीन खाना कितना है। अगर आप 60 kg के हो ना तो आपको उसे मल्टीप्लाई करना है 1.7 से। सी, आप कम भी खा सकते हो। अगर आपको बस फिट रहना है तो आप अपने वेट को मल्टीप्लाई करो 1 से, जिसका आंसर आता है आपको बस 60 g ऑफ प्रोटीन खाना है। पर अगर आपको मसल गेन करना है, थोड़ा सा जल्दी करना है, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप उसे 1.7 से मल्टीप्लाई करो। सो अगर आप अपने वेट को 60 kg इसको 1.7 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो रफली अराउंड बैठेगा 102। तो अगर आप स्किनी हो या आपको वेट गेन करना है तो आपको पता चल गया कि आपको इतना प्रोटीन खाना है, लगभग 102 g के आसपास। उसके बाद बात आती है कि आपको कैलोरीज कितनी खानी है। देखो, प्रोटीन एक अलग चीज़ है जो आपको इनटेक करना है, जिससे आपके मसल की रिकवरी होगी आफ्टर यू एक्सरसाइज। और कैलोरीज वो चीज़ है, जितना आप खाओगे उतनी जल्दी आप वेट गेन करोगे, और जितना आप कम खाओगे उतना जल्दी आप वेट लॉस करोगे। तो अगर आप 60 kg के हो ना तो आपको अराउंड 2600 कैलोरीज खानी है, जिससे आप धीरे धीरे वेट गेन करोगे। और वही हमारा मोटो है कि हम धीरे धीरे वेट गेन करें, बिकॉज अगर हम जल्दी से वेट गेन करेंगे ना तो प्रॉब्लम हो सकती है, फैट को भी गेन कर सकते हो, और वो हमें नहीं चाहिए। हमें प्योर मसल चाहिए जो हमारा गेन हो। तो 2600 कैलोरीज, उसके साथ हमें प्रोटीन खाना है 102 g। तो अब हम बनाएंगे अपनी एक बढ़िया सी डाइट। अगर आप कॉलेज में हो, लो बजट डाइट ढूंढ रहे हो, तो आज की डाइट आपके लिए परफेक्ट होने वाली है। देखो भाई, सबसे पहले तो हम ना गूगल पे जाएंगे और हम टाइप करेंगे कैलोरी कैलकुलेटर। पहला जो लिंक होगा उसको ओपन कर लेना है। हमें यहाँ पे डालनी है अपनी डिटेल्स, जिससे हमें पता चलेगा कि हमें कैलोरीज खानी कितनी है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 22 years old, 180 cm मेरी हाइट, और इसको हम कर देते हैं 60। यहाँ पे हमें डालना है कि हम एक्सरसाइज कितनी करते हैं, 4 to 5 times a week। लाइट करते हैं तो हम अभी कर देते हैं इसे 4 to 5 times a week। इसे कर देंगे हम कैलकुलेट। ये आ गई, अगर मैं इतनी कैलोरीज खाऊंगा तो मैं अपना वेट को मेंटेन करूंगा, अगर मैं इतनी कैलोरीज खाऊंगा तो मेरा वेट लॉस हो जाएगा 0.25 kg per week, अगर इतनी खाऊंगा तो मैं आधा किलो लूज करूंगा एक वीक के अंदर, और अगर एक्सट्रीम में चला जाऊंगा तो इतनी करूंगा। अब ये हमें नहीं करना, हमें करना है अपना वेट गेन, और वो भी मस्कुलर वेट गेन। तो हम इस वाले लिंक पे क्लिक करेंगे जो कहता है शो इन्फो फॉर वेट गेन। इसे क्लिक करेंगे और ये हमारा वेट गेन करने का तरीका, जिससे हम अपना मसल मास को ग्रो करेंगे। अगर आपको नॉर्मली धीरे धीरे वेट गेन करना है तो हम फर्स्ट वाली कैलोरीज को काउंट करेंगे कि हमें इतनी कैलोरीज खानी है। अगर हमें थोड़ा सा जल्दी पर वीक, अगर हमें 0.5 kg मतलब आधा किलो अपना वेट बढ़ाना है, तो हम 2800 अराउंड कैलोरीज खाएंगे। और फास्ट वेट गेन करना है तो हम खाएंगे अराउंड 3300 कैलोरीज। पर इन दो ऑप्शंस को हम नहीं लेते अभी, हम करेंगे धीरे धीरे अपना वेट गेन, जो कि होता है 2600 कैलोरीज का। हम टारगेट रखेंगे अपनी कि हम 2700 कैलोरीज तक जाएं। और अब हम बनाएंगे अपनी डाइट को, जो कि है हमारी मेन। तो सबसे अच्छी जो वेबसाइट है ना वो है फिटनेस पाल। तो हमें गूगल पे लिखना है फिटनेस पाल, जो पहला लिंक आएगा उसे करो क्लिक, और उसके बाद सबसे ज्यादा इजी डाइट है ये। ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, हमें ब्रेकफास्ट में खाना है 100 g दलिया, उसके साथ हम लेंगे 5 काजू, 5 बादाम और 1 कप मिल्क का हम खाएंगे। सो पूरे ब्रेकफास्ट में हमारे पास आती है 549 कैलोरीज, 91 carbs, 13 g हमारे पास आता है फैट, और 22 g ऑफ प्रोटीन, जो कि बहुत अच्छा है। और फिर बारी आती है लंच की। लंच मैंने बहुत इजी रखा है। हमें लंच में खाना क्या है, लंच बहुत इजी रखा है मैंने। हमें पनीर खाना है 150 g, और उसके साथ हम खाएंगे 4 रोटी, और लंच में हमारा प्रोटीन आएगा 42 g। उसके बाद जो हमारी लास्ट मील होगी डिनर की, और ये भी मैंने बहुत इजी रखा है, जो रिचेस्ट दाल होती है ना वो होती है उड़द की दाल, हमें उसे 160 g लेना है। 160 g के अंदर हमें बहुत अच्छा प्रोटीन मिलता है, जो कि है 53 g। 160 g ऑफ उड़द की दाल में हमें लगभग 52 g ऑफ प्रोटीन मिल जाता है। मेरे हिसाब से उड़द की दाल बेस्ट है। सो गाइस, ये 3 ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये हमारे हाई प्रोटीन,
मील्स थी जिसके अंदर हमने ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज खाई, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लिया। पर इसके बीच में आपको अगर भूख लगती है तो आपको खाना है, भुने चने को डिवाइड कर लो कि आपको टोटल खाने हैं 80 ग्राम्स पर 40 ग्राम्स आप एक बारी में खाओगे। जैसे ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में अगर आपको भूख लगती है तो आप उसमें 40 ग्राम्स भुने चने खा लो, जो आपकी भूख भी मिटाएगा प्लस आपको प्रोटीन सोर्स भी पूरा करेगा। और अगेन अगर आपको शाम में भूख लगती है, जैसे आपने लंच करा और लंच और डिनर के बीच में अगर आपको भूख लगती है, तो आप रिमेनिंग अपने 40 ग्राम्स भुने चने खा लो। और अगर वो नहीं खाना तो आप कोई भी फ्रूट भी खा सकते हो। और अगर डिनर के बाद आपको वापस से भूख लगती है ना, तो आप एक और चीज़ पी सकते हो, वो है दूध। दूध के अंदर भी आपको प्रोटीन मिलेगा और बहुत हेल्दी होता है दूध पीना, जिससे आपकी इन टोटल कैलोरीज बैलेंस हो जाएंगी और आप आराम से मसल गेन या वेट गेन कर पाओगे। सो ये पूरी डाइट आपकी बहुत बेसिक डाइट है। अगर आप कॉलेज जाते हो या लो बजट के अंदर मसल गेन करना चाहते हो तो ये वन ऑफ द बेस्ट डाइट है। अभी मैंने सोया चंक्स ऐड नहीं करे, सोयाबीन की दाल ऐड नहीं करी, राजमा ऐड नहीं करे, चने ऐड नहीं करे, तब भी आप अपना प्रोटीन सोर्स पूरा कर पा रहे हो। तो ये है वन ऑफ द बेस्ट डाइट जो आपका मसल गेन करेगी, या अगर आप स्किनी हो तो आपका वेट भी गेन करेगी। और अगर आप इस सारी कैलोरीज को प्लस कर दोगे ना, तो आपकी इन टोटल कैलोरीज अराउंड 2800 हो गई, जो कि बहुत अच्छा है आपके वेट गेन के लिए। जो आपकी कैलोरीज आई थी जब हमने कैलकुलेट किया था 2600 समथिंग, और हमने खा ली अराउंड 2800, तो हमने अपना गोल भी पूरा किया, हमने अपनी कैलोरीज भी पूरी करी, हमने अपना प्रोटीन सोर्स भी पूरा किया। तो ये परफेक्ट डाइट है, अगर आप इसे फॉलो करोगे तो आप ज़रूर अपना मस्कुलर लुक पाओगे और आप स्किनी से वेट गेन भी कर पाओगे बहुत आराम से।